ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने भारत की ओर से प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने को इसकी वजह बताया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत के लिए ईरान का ये फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। हम बता दें कि ईरान और चीन के बीच $400 बिलियन की एक महाडील होने वाली है। माना जा रहा है कि इस डील के चलते ही ईरान ने चाबहार परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए पूर्व राजनयिक अशोक सज्जन हार जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, चाबहार रेल परियोजना से भारत को ईरान ने बाहर कर दिया है, कितना बड़ा झटका ये भारत के लिए कि और जो वजह बताई जा रही है कि चार साल से फंडिंग में देरी हो रही थी, क्या वाकई असल वजह ये मानी जा सकती है? देखिए, मेरे विचार से पूरा इसका डिटेल अभी जानना पड़ेगा। मेरे विचार से चाबहार से नहीं उसमें निकाला है, वो जो रेलवे लाइन है जो चाबहार से जाती है और वो आगे जाती है दाहेजान तक, उसके बाद दरांज अफगान बॉर्डर तक जाती है। तो अभी तक मैंने जो खबर पढ़ी है वो उस रेलवे लाइन के बारे में कहा गया है, चाबहार पोर्ट के बारे में नहीं कहा गया है। और देखिए, रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने की, क्योंकि जब से ये पिछले 2 साल से अमरीका ने सैंक्शन लगाती थी ईरान पर, तो वहां पर कोई बड़ी बड़ी कंपनी जाने में आनाकानी कर रही थी, हिचकिचाहट थी वहां पर, तो इसीलिए वो नहीं हो पाया। हमने अपना जो बजटिंग था उसमें तो हमने किया था ये रेलवे लाइन के भी करीब $500 मिलियन होने थे। इरकॉन हमारी तरफ से हमारा रिप्रेजेंटेटिव होते और इरेनियन रेलवे वहां से बनाते, तो ये ट्रायलैटरल एग्रीमेंट के तहत था। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे, ईरान गए थे 2015 में मेरे ख्याल से गए थे, तो तब ये बातचीत हुई थी और इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ भी है, परंतु क्योंकि सैंक्शन लग गए उसके बाद एकदम बात, तो इसीलिए इसके ऊपर और ज्यादा काम नहीं हो पाया। चाबहार मेरे ख्याल से अभी तक बरकरार है। तो ये जो रेलवे परियोजना है, इससे अगर ईरान ने बाहर किया, जैसा कि बातें जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान और चीन के बीच में जो $400 अरब का जो समझौता आगे चलकर होने वाला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर किया गया है। अगर वजह वाकई में ये है तो इस तरह के जो व्यावसायिक रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, उन पर चीन का इंटरवेंशन बढ़ने से आगे भारत को के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? हाँ, बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, तो इसीलिए हमको अपने इंटरेस्ट, अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो हमें बिल्कुल बहुत ही सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। परंतु ये देखिए, चीन का जैसे रूस 2014 में चला गया था चीन के पास, ऐसे ही ये अमेरिका की जो पॉलिसी है जो उन्होंने ईरान को टारगेट किया है, उसी की वजह से ईरान भी चीन के आगोश में चला गया है, चीन के एम्ब्रेस में चला गया है। जी, तो हमको अपना जो इंटरेस्ट है, हितों को जो प्रोटेक्ट करना है, हमको ईरान के साथ बातचीत करते रहना पड़ेगा। चाबहार हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से हम अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, उसी से हम मध्य एशिया के देश, सेंट्रल एशिया, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, वहां पर हम पहुंच सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा यदि न आगे चलते हुए। जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हम आपको बता दें कि चाबहार शहर ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है। ये एक मुक्त बंदरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह ईरान का सबसे दक्षिणी शहर है। 2014 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यह बंदरगाह ईरान और भारत के लिए रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और इस स्थान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता नहीं होगी। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। भारत की सरकारी कंपनी इरकॉन इस परियोजना को पूरा करने वाली थी।
ये परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाई जानी थी, जिसका भविष्य में भारत को काफी फायदा हो सकता था, लेकिन अब ईरान के ऐलान के बाद भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।